प्रदेश में चल रही लगातार गौ हत्या और गौ तस्करी पर रोक लगाने के लिए अब छत्तीसगढ़ भवन निर्माण मजदूर महासंघ सामने आ गई है। इसको लेकर राजधानी रायपुर में 28 अक्टूबर को राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। गौपुत्र ओमेश बिसेन ने बताया कि 7 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली की रामलीला मैदान पर गौ तस्करी और गौ हत्या को पूरी तरह बंद करने के लिए प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक उसी तर्ज यहां भी प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ भवन निर्माण मजदूर महासंघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि इससे पहले भी गौ तस्करी और गौ हत्या को लेकर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं, लेकिन इस बार पूरे प्रदेश भर के छत्तीसगढ़ भवन निर्माण मजदूर महासंघ की जो लोग इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और इसका पुरजोर विरोध करते नजर आएंगे। मेरा नाम राजेंद्र सिंह परिहार है, छत्तीसगढ़ भवन निर्माण मजदूर महासंघ का अध्यक्ष हूँ और हमारी मांग ये है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए और गौ माता के लिए राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए। गौ माता के लिए गौ हत्या पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए और जब प्रधानमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय में उन्होंने अपने आप से संकल्प लिया था कि जब भी हमारी सरकार आएगी केंद्र में तो हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा के गौ माता के लिए कानून बनाएंगे और उसके लिए राष्ट्रीय कानून बनाएंगे और हमेशा के लिए प्रतिबंध लग जाएगा, ये संकल्प लिया था उन्होंने स्वयं ने। उसके बाद सरकार परमात्मा ने उनका संकल्प पूरा किया, उनकी सरकार आई, वो प्रधानमंत्री बने, उसके बावजूद वो मोह माया के जाल में उसी बात को भूल गए, उसको ध्यान में नहीं है। इसीलिए हमने 14/9/2020 को एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को कि अवगत कराया गया था कि ये कानून लाया जाए। उसके बाद में 23/6 को पत्र लिखा गया था, उसके बाद में 25/8 को पत्र लिखा गया था, 25/8 को 2021 को जब उन्होंने नहीं कोई जवाब दिया, इसलिए ये विशाल आंदोलन हमने शुरू कर रहे हैं। जो जब तक गौ हत्या का प्रतिबंध लग के और कानून नहीं बनेगा तब तक ये आंदोलन चलेगा। मांग ये है कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए एक बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ के रायपुर में हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि 7 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन हो रहा है गौ माता को, उसी के समकक्ष प्रत्येक राज्यों की राजधानी में भी आंदोलन चालू हो रहा है ताकि इस आंदोलन से 7 नवंबर का आंदोलन लोग वहाँ पर दिल्ली में जाके आंदोलन कर सके। 28 तारीख को गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए बूढ़ा तालाब के धरना स्थल में आंदोलन की शुरुआत हो रही है। गौ माता गौ मंत्रालय अलग बनाने, गौ संवर्धन, गौ हत्या प्रतिबंध लगाने के लिए मजदूर संघ आगे आया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार कोई मजदूर संघ आगे आया इस आंदोलन को करने के लिए। उमेश बिसेन, गौपुत्र, रायपुर से। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।